बहुत ही आदर और सम्मान के योग डकोरा गांव के इस पावन पवित्र धरा पर मेरे समक्ष उपस्थित जन नायक चौधरी देवीलाल की सोच पर पैरा देने वाले सम्मानित पितातुल्य बुजुर्गों, हम उम्र नौजवान दोस्तों, माताओं और बहनों, कृषि प्रधान भारत वर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज प्यारे बच्चों, मनचासीन जन नायक जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय महासचिव, आपके दुख सुख के साथ ही हरियाणा सरकार के पूर्व में रहे मंत्री सम्माननीय चौधरी हर्ष कुमार जी, जन नायक जनता पार्टी जिला पलवल इकाई के हमारे अध्यक्ष भाई देवेंद्र सरोज जी, पार्टी के वरिष्ठ साथी भाई सुरेंद्र सरोज जी, भूदेव शर्मा जी, सुखदेव सुखराम डागर जी, महिला की हमारी अध्यक्षा सुनीता भारद्वाज जी, हल्का इकाई की महिला अध्यक्ष सुमन मलिक जी, भाई विजय दिघोट जी, परवीन डूडी जी, इस आयोजन के आयोजककर्ता भाई सतवीर जी, विशाल तेवतिया जी, राहुल जोशी जी, सोनू रावत जी, रोहित दिघोट जी, परवीन जोगी जी, सरपंच डकोरा प्रदीप जी, पवन जी, हासिम जी और तमाम सम्मानित मंच, दूसरे मंच पर बैठे भाई नरदेव गानीवाल जी और उनकी पार्टी, आज बड़े लंबे अंतराल के बाद इस ठंड के मौसम में आपके दर्शन करने का मौका मिला है, आपसे रूबरू मिलने का अवसर प्रदान हुआ है, मैं इसके लिए आभारी हूँ। भाई सतबीर जी का, हमारी स्थानीय यूनिट का, जिन्होंने ये आयोजन रख करके आपके दर्शन करने का मौका दिया, आपसे रूबरू मिलने का अवसर प्रदान किया। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने मिशन 2024 की बात आपके बीच में की और चारों तरफ जो होल्डिंग बोर्ड लगे हुए उन पर भी मिशन 2024 का उल्लेख है। मिशन 2024 का मतलब है 2024 में हमारे यहाँ पर लोकसभा के चुनाव भी होने हैं और हरियाणा प्रदेश की असेंबली के चुनाव भी होने हैं और इसको लेकर के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू की हुई है। हमने भी फैसला किया था कि हम 10 के 10 संसदीय क्षेत्रों में बड़े आयोजन करेंगे, गांव-गांव में जाकर के लोगों के बीच में बैठ करके जनसंपर्क अभियान के तहत उनकी समस्याओं को जानेंगे, समझेंगे और उनका निदान करने का काम सरकार के स्तर पर जो भी हो सकता है उसे करने का काम करेंगे। आज से 6 वर्ष पूर्व आप लोगों ने जींद की पांडू पिंडारा की पावन धरा पर जन नायक जनता पार्टी का गठन किया, लाखों की तादाद में पहुंच करके एक होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखा, उसकी हौसला अफजाई के उसी की बदौलत उसने 9 महीने में ना केवल नया राजनीतिक संगठन खड़ा किया बल्कि 3-3 चुनाव विपरीत परिस्थितियों में झेले, कभी जींद का उपचुनाव आया, कभी लोकसभा के चुनाव आए तो कभी असेंबली के चुनाव आए, आपका आशीर्वाद और सहयोग था, इसी की बदौलत जहां पार्टी को 17.5% वोट मिले वहीं आपने 10 विधायक चुन करके देने का काम भी किया। उन 10 विधायकों की बदौलत ही राजभाग में आपकी हिस्सेदारी हुई और जैसे ही राजभाग में हिस्सेदारी हुई हमारे कार्यकर्ताओं के चेहरे पर लाली आई, उन्हें एक उम्मीद जगी कि 15 वर्ष का राजनीतिक वनवास खत्म हुआ है, विकास के काम होंगे, बच्चों को रोजगार मिलेगा, छोटी मोटी समस्याओं से हमें निदान मिलेगा। परंतु मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि जैसा आप लोगों ने सोचा था और हम करना चाहते थे वो इस अरसे में हम नहीं कर पाए। उसका एक कारण रहा कि एक तो हम पूर्ण बहुमत में नहीं, सरकार में सिर्फ 20% के साझेदार हैं,
और दूसरा जैसे ही सरकार बनी कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई, कभी पहला फेज, कभी दूसरा फेज, कभी तीसरा फेज, निरंतर 2 साल तक यही चलता रहा। हम चाह करके भी आपके बीच में नहीं आ पाए, और जब तक जनप्रतिनिधि लोगों के बीच में जाए नहीं, उनकी जाने नहीं, समझे नहीं, तब तक उसका समाधान भी नहीं हो पाता है। और जैसे ही उस कोरोना से मुक्ति मिले तो किसान आंदोलन चल पड़ा। उस किसान आंदोलन की मार भी अगर सबसे ज्यादा किसी को पड़ी तो वो हम पर पड़ी। कानून बनाए थे केंद्र की सरकार ने, लागू करने का काम किया था सांसदों ने, ना तो हमारी केंद्र की सरकार में कोई भागीदारी थी और ना ही हमारा कोई सांसद। फिर भी जगह जगह जो किसान भाई धरना दे करके बैठे थे, वो निरंतर एक ही डिमांड करते थे, दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे दे, सरकार से अलग हो जाए। मैंने अनेक बार सार्वजनिक मंचों से भी कहा, मीडिया के समक्ष भी कहा कि भाई इस्तीफा अगर किसी बात का समाधान है तो एक दुष्यंत चौटाला का नहीं, 10 के 10 विधायकों के मुझसे ले जाओ और अपना समाधान करवा ले। इस्तीफा तो केंद्र की सरकार में मंत्री रही हरसिमरत कौर बादल ने भी मंत्रिमंडल से दिया था, इस्तीफा तो मेरे भाई अभय सिंह चौटाला ने भी विधायकी से दिया था। कुछ हासिल कर पाए क्या? हासिल होता है राज से, सत्ता से, ताकत से, और समाधान निकलते हैं बातचीत के जरिए। आज अगर आपकी दी हुई ताकत है, हम सत्ता में हैं, तो आप जो भी कोई छोटी मोटी समस्याएं हमारे समक्ष रखते हैं, हम सरकार के स्तर पे अधिकारियों से कह करके उसका समाधान करवाने का काम करते हैं। आज आपने गांव की तरफ से सरपंच साहब ने जो मांग पत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत किया है, और नरदेव जो गा करके कह रहे थे कि 1 करोड़ रुपए की ग्रांट चाहिए, बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, मैं ठोक करके दावे से आपके बीच में कह सकता हूं कि 1 करोड़ नहीं, अगर उससे भी ज्यादा लगेंगे तो भी देने का काम करेंगे। और अगर ताकत में ना हो तो फिर मेरे जैसे कितने विधायक आपके बीच में घूमते रहो, कोई पूछने वाला है क्या? जो कोई कोर कसर कमी कोताही पिछले समय में रही है, चाहे वो कोरोना की वजह से रही, चाहे वो किसान आंदोलन की वजह से रही, और चाहे कोई हमारी वजह से रही, शेष बचे हुए समय में ना केवल उसकी भरपाई करने का काम करेंगे बल्कि आपको सवाया करके देने का काम करेंगे। और जो कोई कोर कसर कमी कोताही संगठन की दृष्टि से रही है, उसकी भरपाई करने का काम आप लोगों ने करना है। वो काम ना अकेला अजय सिंह चौटाला कर सकता, ना मंच पर बैठे हुए लोग कर सकते, वो आप और हम सब मिल करके कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश और विनती है कि हर गांव में हर बूथ पे एक बूथ योद्धा और हर बूथ पे एक बूथ सखी, क्योंकि आजकल पंचायती राज में माताओं बहनों की भी 50% की भागीदारी है, और उनके साथ अनुभवी लोगों की टीम खड़ी करने का काम करें ताकि निकट भविष्य में जब भी वो अवसर आए, वो मजबूत टीम आपकी पार्टी के पक्ष में मतदान करवा करके आपको सत्ता के दहलीज तक पहुंचाने का काम कर सके। पर ये संभव तभी हो पाएगा जब हम आपसी छोटे मोटे मन मुटाव, गिले शिकवे, शिकायतों को दूर करके जाति पाति धर्म और मजहब के बखेड़े से ऊपर उठ करके 36 बिरादरी के भाई एक झंडे के नीचे संगठित होकर के अपने हक हकूक के लिए जब भी वो अवसर आएगा इस चाबी के निशान वाला बटन दबाने का काम करेंगे। आप द्वारा दबाया गया ये चाबी का बटन आपके विकास के दरवाजे खोलने का काम करेगा। और जो राजनीतिक विरोधी तरह तरह की बातें करते हुए घूमते हैं, उनके मुंह पे ताड़ा लगाने का काम भी करेगा। आपको याद हो जब हम भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने की बात हुई, तब हमारे राजनीतिक विरोधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरीखे लोग तरह तरह की बातें करते हुए घूमते थे कि ये तो भाजपा की झोली में जा बैठे। कहते थे 75 पार बन गए पक्के यार, अनेक तरह की बातें करते थे। परंतु वो ये भूल गए कि चौधरी देवीलाल तो सदैव कांग्रेस विरोध में रहे, और उन्होंने
अनेक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाने का काम किया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार भाजपा के साथ बनी। भाजपा तो ऐसी राजनीतिक दल है जिसके साथ हम समय समय पर सहयोगी रहे हैं, परंतु कांग्रेस के तो विरोध में पैदा हुए हैं, उसे तो हम लकड़ी से छूने का काम भी नहीं करते। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, जो इंडिया गठबंधन बना करके बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो 10 साल में अपना राजनीतिक संगठन नहीं बना पाए। 3-3 प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, 5-5 प्रभारी बदले गए, और आज वो इंडिया गठबंधन भी टुकड़े टुकड़े हो रहा है। कहीं ममता बनर्जी अलग चुनाव लड़ने की घोषणा करती है, कहीं नीतीश उनके मोर्चे से निकल के बाहर आ गए, तो कहीं आम आदमी पार्टी अलग से पंजाब में चुनाव लड़ने की बात करती है। काहे का गठबंधन है, किस चीज का गठबंधन है? ये तो सिर्फ लूट करने के लिए एकत्रित होने का काम कर रहे हैं। आज जरूरत है ऐसे लोगों से सचेत, सजग और सावधान होकर के अपने हिमायती को पहचानने की। यही विनती और गुजारिश करते हुए आप सबका आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद व्यक्त करूंगा कि इस ठंड के मौसम में आप इतनी बड़ी तादाद में आए, मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता की बात सुनी, हौसला बढ़ाया। गांव में पहुंचने पर जो मान सम्मान, जो प्यार आपने दिया, जो प्यार भरे पुष्प आपने भेंट किए, जो सम्मान सूचक पगड़ी गांव डकोरा की तरफ से मेरे सर पर रखी, उसके लिए आपको यही यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि मेरी रगों में भी चौधरी देवीलाल जी का खून है। मुझे गर्व है इस बात पे, जब तक ये खून गर्म होकर के मेरी रगों में दौड़ेगा, डकोरा गांव की दी हुई सम्मानित पगड़ी पे कोई आंच और दाग नहीं लगने दूंगा, इसे झुकने नहीं दूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय जय भी पार्टी।